या सभी परिस्थिति में मैं हिंदू संगठनों की एकता के लिए काम करता रहा। कल की घटना में परसों मुंबई के सार्वजनिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भैया जी जोशी रुतंबरा जी के साथ पब्लिक सभा करके रात को 1-1.30 बजे लौटा। पुलिस को मैंने कहा कि 2:30 बजे आओ, तो पुलिस दो प्रकार की रहती है, एक परमानेंट सुरक्षा में रहती है वह तो रहती है, दूसरी मुझे बाहर निकलने के लिए। तो पुलिस को कहा कि 2:30 बजे आओ और सुबह में पूजा पाठ पूरा कर रहा था तो एक व्यक्ति मेरे रूम में घुसाया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब तुरंत कार्यालय छोड़ दो, आपको उठाकर एनकाउंटर करने के लिए लोग निकले हैं, हम मौत से नहीं डरने वाले, एनकाउंटर से नहीं डरने वाले। इसलिए उनकी बात पर मैंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। मैंने बाहर देखा तो बाहर दो पुलिस वाले थे, परंतु मन में तो आया कि क्या कोई गलत कहने आया है। तब तक थोड़ी देर में फोन आया, मेरे फोन पर आया और फोन में कहा कि 16 पुलिस स्टेशन से राजस्थान पुलिस का काफला और गुजरात पुलिस के सहयोग से निकला है। मुझे लगा कि कुछ दुर्घटना हुई तो हमारा तो जो होगा सो होगा, पूरे देश में बुरी परिस्थिति खड़ी होगी। मैंने तुरंत अभी जो कपड़े पहने वह कपड़े पहनकर एक पैसे का पैकेट लेकर बाहर निकला। बाहर पुलिस वालों को मैंने कहा मैं छुपकर नहीं गया हूं कि मैं कार्यालय छोड़कर जा रहा हूं, मुझे पुलिस को कारण देना आवश्यक नहीं है। नीचे उतरा, ऑटो रिक्शा रोकी, नजदीक जो कार्यकर्ता थे उनको बिठाकर ऑटो रिक्शा में बैठाकर थलतेज की ओर निकला। मैंने रास्ते में राजस्थान के होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर का संपर्क करवाया, दोनों ने कहा कि हमारी ओर से कोई पुलिस नहीं आई है, ये झूठ है, यदि आपकी गिरफ्तारी करने आए तो हमें पता होगा। जब मुझे पता चला कि राजस्थान के होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर मना कर रहे हैं, मैंने तुरंत मेरे सभी फोन स्विच ऑफ कर दिए ताकि मेरा लोकेशन ट्रेस न हो और थलतेज में हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं। ऐसे एक व्यक्ति के घर में गया, वहां जाकर दूसरे फोन में राजस्थान पुलिस की जानकारी प्राप्त करके क्या घटना है, क्योंकि मेरे जानकारी में राजस्थान में एक भी केस नहीं था, न कभी समन्स न कभी बेलेबल वारंट। पूछताछ करने पर पता चला कि वह अरेस्ट वारंट लेकर आए हैं। मैंने राजस्थान के लॉयरों का संपर्क करके हाईकोर्ट में जाकर ये वारंट कैंसल हो, क्वेश हो। लॉयरों का कहना था कि न्यायालय का वारंट एक प्रयास करेंगे नहीं होगा, आप कोर्ट के सामने आ जाइए। अब मैं राजस्थान के पुलिस के हाथ में आता तो मेरे विरुद्ध में लंबे समय से षड्यंत्र मुझे कहीं पर भी नहीं रखने के चल रहे हैं। यह षड्यंत्र का शिकार बन रहा था तो मैंने फैसला किया कि मैं फ्लाइट में जयपुर जाकर बिना पुलिस के बताए मेरे कार्यकर्ता को लेकर कोर्ट में जाऊंगा। और मैं अकेला वहां गया, तब तक एक कार्यकर्ता था,
उनको छोड़ दिया था। मैं अकेला ऑटो रिक्शा में निकला और अंडर ब्रिज से आगे गया, चक्कर आने लगा, पसीना आने लगा। ध्यान में आया कि गड़बड़ है। मैंने कहा कि बापू नगर, मैंने एयरपोर्ट जाने का कहा था, मैंने कहा कि बापू नगर लेकर धन्वंतरी हॉस्पिटल पहुंचाओ। थोड़ी देर में पता नहीं चला, और जब रात को पता चला कोई हॉस्पिटल में था, रात को करीबन 11:30-12 बजे मेरी बातचीत करने की स्थिति बन रही थी। तब मेरे फिजिशियन सब यहां पर थे। यह घटना का क्रम है। मैं सभी कार्यकर्ता को विनती करूंगा कि सब शांति बनाकर रखें और कानून व्यवस्था का कोई उल्लंघन न करें। और मैं डॉक्टर मुझे अनुमति देंगे, अभी भी बता रहे हैं कि लंबे समय के बेहोशी के कारण मेरी पल्स भी 140 से ज्यादा और इरेगुलर है। दोपहर के बाद हार्ट के डॉक्टर भी, वह बेहोशी का कहां का प्रभाव आया है उसको करेक्ट करना, सुबह भी एक गोली दी है। और जब डॉक्टर अनुमति देंगे मैं जयपुर जाकर न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण करके न्याय तंत्र का आदर करूंगा। मैं आज तक न्यायालय से कभी भागा नहीं हूं। अहमदाबाद में भी वारंट निकला, मैं न्यायालय के सामने जब कर सर झुका कर खड़ा था, और देश में कहीं पर भी हुआ मैं न्यायालय के सामने हुआ हूं। यह घटनाक्रम में मकर संक्रमण के दिन बड़ा पुलिस का काफिला, और उनमें से किसी ने आकर बताना वह घटना के कारण पुलिस से दूर होकर न्यायालय तक जाने का प्रयास था। शायद भगवान की इच्छा नहीं होगी, रास्ते में रुक गया, हॉस्पिटल आ गया। मैं डॉक्टर अनुमति देंगे तब जाएंगे। मेरी गुजरात पुलिस से कोई कंप्लेन नहीं है, मेरी राजस्थान पुलिस से भी कंप्लेन नहीं है। गुजरात पुलिस से इतना कहना है कि मेरी रूम का सर्च वारंट आप क्यों करने जा रहे थे? मैं क्रिमिनल हूं क्या? मैं अभी लॉयर को मेरी रूम के दरवाजे पर बिठाकर सूचना दी है। जब गुजरात पुलिस कहेंगी मैं पुलिस और मीडिया के साथ ही मेरे रूम में जाऊंगा। मेरी रूम में अनैतिक कानून विरोधी एक भी चीज नहीं है। मेरी तीन ही संपत्ति है, एक भगवान की बैग, एक कपड़े की, एक पुस्तक की, इसके अलावा कोई संपत्ति नहीं है। इसलिए मैंने कोई कानून अनैतिक काम नहीं किया है। इसलिए मैं क्राइम ब्रांच को प्रार्थना करूंगा कि आप सब हमारे हैं, सम्माननीय हैं, राजनीतिक दबाव में आने का काम मत करो। फिर से संपूर्ण पुलिस के प्रति मेरा आदर है। गुजरात राजस्थान किसी के विरुद्ध कंप्लेन नहीं है। मैं कानून का पालन करके न्यायालय में जाऊंगा, और मेरा जीवन रहे या नहीं रहे, मैं राम मंदिर, गौरक्षा, किसान युवाओं के लिए अकेला लड़ना पड़े तो अभी लड़ता रहूंगा। और मेरी आवाज दबाने का कोई प्रयास न करे। जिनकी संपत्ति होती है, सत्ता होती है, उनकी आवाज दबाई जाती है। मैं तो यह शहर में संपत्ति और समृद्धि छोड़कर निकला हूं हिंदुओं के लिए, इसलिए मेरी आवाज दबाने का प्रयास न हो। मैं मेरा हर प्रयास सभी हिंदू संगठनों की एकता के लिए करता रहूंगा, परंतु मेरी आवाज दबाने का प्रयास न हो। यही प्रार्थना के साथ मैं आप सबको धन्यवाद कर रहा हूं। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैंने जितना कहा इतना पर्याप्त है। आप सबको धन्यवाद। किस पर इशारा है आपका? आपका इशारा किस ओर है? दबाने की कोशिश कर रहा है। मुझे कुछ नहीं कहना, मैंने जो कहना था वो कह दिया है। सेंट्रल आईबी, जब मैं डॉक्टरों को कहता हूँ कि एक मरीज मुफ्त में देखो, 10,000 डॉक्टर जुड़े, वह डॉक्टरों को जाकर धमकाती है। और डॉक्टर प्रवीण तो पत्र लिखता है कि क्यों किया,
उनका आज तक उत्तर नहीं दिए थे। मेरी रूम में आकर कोई व्यक्ति ये बताकर गया, उन पर मैंने विश्वास नहीं किया था, पर बताकर गया और यही फोन मुझे आया कि बड़ी मात्रा में राजस्थान की पुलिस गुजरात की पुलिस से मदद से आ रही है। तब मेरे मन में संदेह हुआ, तो उस स्थिति में मुझे कानून का पालन भी करना और अपने को बचाना अर्थात न्यायालय के लिए जाना, उनके लिए कोई रास्ता ढूंढना चाहिए, पर ढूंढने का मैंने प्रयास किया। क्रिमिनल तो है नहीं कि आपका एनकाउंटर किया जाएगा, अचानक से आप वहाँ पे कोतरपुर में पाए जाते रात के वक्त में, तो पूरा दिन कहाँ पे थे आप? मैंने कहा ना कि मैं थलतेज में एक घर में गया, उस घर में जाकर मैंने एडवोकेट सब लॉयरों का कॉन्टेक्ट किया राजस्थान में, सबका कहना था कि आपको पुलिस गिरफ्तार करके गड़बड़ करे न करना है तो आप आकर न्यायालय को सरेंडर करो। इसलिए मैं, मेरे पास घड़ी नहीं थी, मोबाइल बंद था, करीबन 3 बजे के करीबन मैं ऑटो रिक्शा में एयरपोर्ट से विमान पकड़कर, मुझे अंदाज था कि जयपुर का विमान है, मिलता है तो सीधा जयपुर वरना दिल्ली होकर मैं जाने के लिए निकला। रास्ते में ये स्वास्थ्य की गड़बड़ हुई, फिर क्या हुआ मुझे कोई पता नहीं। आवाज दबाई जा रही है आपकी, कौन डरा रहा है, इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं? कौन आपकी आवाज को दबा रहा है, कौन डरा रहा है आपको? समय आने पर मैं एविडेंसेस के साथ, आपके मोबाइल घूम है, एविडेंसेस के साथ मैं बताऊंगा। आपके पास रेडलेस सिक्योरिटी है प्रवीण भाई, ऐसे कैसे आप अकेले? मैं सिक्योरिटी को कह के निकला हूँ, सिक्योरिटी को कह के निकला हूँ, मैं कोई छुपा कर सिक्योरिटी वाला पूछो, मैंने बताया कि मैं कार्यालय छोड़कर जा रहा हूँ। दोपहर 3 बजे से 8 बजे का ऑटो रिक्शा में गए प्रवीण भाई कोतरपुर। मैं ऑटो रिक्शा में 3 बजे के बाद निकला, वहाँ पहुँचने में आधा पौना घंटा लगा होगा। इसके बाद मैं बेहोश हो गया, इसके बाद की घटना का मुझे कोई पता नहीं है। मैंने हॉस्पिटल में पाया, कौन सी हॉस्पिटल है वो भी पता नहीं था। मेरे साथ मैं अकेला निकला था, मेरे साथ तब कोई नहीं था, मैं अकेला निकला था। मैं एयरपोर्ट जाने के लिए निकला था, मैंने शाल रखी थी ताकि रास्ते में कोई पुलिस पहचाने नहीं, साल पहन कर मैं ऑटो रिक्शा में बैठ सकता हूँ। कार्यालय से जब आप निकले तब पहुंच सकते हैं? कार्यालय से जब आप निकले? विश्वंदु परिषद का 30 साल पुराना कार्यकर्ता खड़ा था, उसको ले लिया, पुलिस कहेंगे तब पुलिस के पास उसको मैं भेज दूंगा। अभी मैं किसी से डर नहीं रहा हूँ, पर मुझे डराने का प्रयास हो रहा है। ये दोनों केस तो जनता के समक्ष है। मकर संक्रमण के दिन क्या पुलिस का काफिला गिरफ्तार करने के लिए आता है? मुझे बता देते फोन पर, मैं कोर्ट में प्रस्तुत हो जाता। राजस्थान पुलिस नहीं थी, राजस्थान मिनिस्टर ने